सब्सक्राइब कीजिए इंडिया न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। किंग्स इलेवन पंजाब के ओपनर केएल राहुल से बुधवार को मुंबई इंडियंस के हाथों मिली 3 रन की शिकस्त सहन नहीं हुई है। 60 गेंदों में 94 रनों की उम्दा पारी खेलने वाले राहुल अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। उन्होंने मैच के बाद मिली ट्रॉफी को दर्शकों की तरफ फेंक दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल राहुल को स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था, उन्हें इसके लिए ट्रॉफी मिली थी। राहुल जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बाद लौट रहे थे तो उन्होंने ये ट्रॉफी दर्शकों के बीच उछाल दी। बता दें कि मुंबई इंडियंस ने किरण पोलार्ड की शानदार अर्धशतकीय पारी और जसप्रीत बुमराह की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत रोमांचक मुकाबले में किंग्स इलेवन पंजाब को 3 रनों से हराया। मुंबई ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने 5 विकेट खोकर 183 रन ही बना पाई। मुंबई की ये 13 मैचों में 6ठी जीत रही और वो 12 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में 4थे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं किंग्स इलेवन पंजाब 13 मैचों में 12 अंकों के बावजूद पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर खिसक गई है। मुंबई को बेहतर रन रेट का फायदा मिला, जिसकी वजह से वो 4थे स्थान पर पहुंच गई है। याद हो कि किंग्स इलेवन पंजाब की इस हार से केएल राहुल को इतना बड़ा धक्का लगा कि वो पवेलियन में बैठे बैठे रोने लगे। टीम की हार से राहुल इतने गहरे सदमे में पहुंच गए हैं कि वो खुद पर काबू ना रख सके और पवेलियन में ही रोने लगे। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2018 की टीम्स और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको आईपीएल 2018 से जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।